गुप्त नवरात्रि के साथ ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में भक्त देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही नजारा बगलामुखी माता मंदिर में भी देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुप्त नवरात्रि के साथ ही बगलामुखी माता मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां दूर दूर से भक्त आकर देवी के दर्शन कर प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी की साधना का विशेष महत्व रहता है। यहां दूर दूर से साधु संत मंदिर में आकर बगलामुखी की साधना करते हैं। मंदिर के पुजारी भरत गुरु ने कहा कि गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी की साधना करने का विशेष महत्व है। यहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे विश्व में बगलामुखी का मंदिर नलखेड़ा में ही है। उन्होंने कहा कि शमशान के बीच में मंदिर है, इसीलिए इन्हें तंत्र की देवी भी कहा जाता है। जय माता दी। मैं पुजारी भरत गुरु बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा से बताना चाहूँगा, ये गुप्त नवरात्रि चल रही है, विशेष महत्व बगलामुखी साधना का गुप्त नवरात्रि में महत्व रहता है। दूर दराज से संत साधु तांत्रिक सभी यहाँ आके बगलामुखी के प्रांगण में बैठ कर भगवती की साधना करते हैं और मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। बगलामुखी साधना का जो है नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में विशेष महत्व रहता है। जो भी मनोकामना बगलामुखी माता रानी के चरणों में भक्त लगाते हैं, उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। जो कि पूरे विश्व में बगलामुखी का जो मंदिर है, पूरे विश्व में एक ही जगह पर है, नलखेड़ा में, जहाँ पर भगवती स्वयंभू प्रकट हुई है। वहाँ त्रिशक्ति के रूप में नलखेड़ा में विराजमान है महालक्ष्मी, महासरस्वती और बगलामुखी। बगलामुखी माता को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवती को विशेष रूप से प्रसाद वस्त्र वगैरह सभी पीले चढ़ाए जाते हैं। उनकी साधना के लिए विशेष तंत्र क्रिया की जाती है माता रानी के दरबार में। और मंदिर जो है चारों तरफ शमशान के बीच में मंदिर है भगवती का, इसलिए तंत्र की देवी कहा जाता है। देखा जाए तो मंदिर में दूर दूर से भक्त देवी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नलखेड़ा।